जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर सेंट्रल जेल से फोन किया गया था, फोन के बाद आरोपी ने मोबाइल फोन बंद कर दिया है। जयपुर पुलिस के कंट्रोल रूम पर धमकी भरा फोन आया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम जयपुर सेंट्रल जेल पहुंची है। सेंट्रल जेल से एक आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की चर्चा की गई। प्रोटेक्शन वारंट पर लेने के लिए पुलिस अधिकारी सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। उनको फोन किया था। लाल कोठी थाना इलाके की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है? जी देखिए, इस मामले में जयपुर जेल से दुष्कर्म का एक मुलजिम था जो सीएम को शूट करने की धमकी दी थी। कंट्रोल रूम के उसने कॉल किया था, उस नंबर पे सूचना दी थी कि मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने उसके नंबर का कॉल ट्रेस किया। उसके बाद में पता चला कि ये जेल से नंबर थे। उसके बाद में जो आरोपी था प्रोडक्शन वन पे उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको पूछताछ के लिए लालकोटी थाना पुलिस लेके आई है और उसके खिलाफ जांच की जा रही है। अभी जांच पड़ताल जारी है ओम प्रकाश, और आपने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ओम प्रकाश बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार फोन कहां से आया आरोपी के पास? अगर कोई कैदी जेल में बंद है तो फोन का इस्तेमाल कैसे किया उस आरोपी ने? जी देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं जेल कर्मियों की मिलीभगत के सामने भी बात आई है कि मोबाइल का कैसे पहुंचा उन तक जो आरोपी था और उसने कैसे फोन किया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लालकोटी थाना पुलिस, और धमकी देने के बाद में आरोपी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद में पुलिस टीमों ने तुरंत तकनीकी आधार पर जांच शुरू की तो धमकी देने वाले के आरोप की पहचान हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी 5 साल से पॉक्सो के मामले में जयपुर जेल में बंद था। इसके बाद में जेल प्रशासन की ओर से लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने इस संबंध में जल्दी ही प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद में पता होगा कि आरोपी जेल में मोबाइल कहां से मिला। इस संबंध में बिजुदार जोसफ ने बताया कि कंट्रोल रूम से आए कॉल की जांच के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से फोन जेल से फोन किया गया है, कंट्रोल रूम में फोन किया जाता है, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी